मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। रवि, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, दर्शकों को जरा सा दिखाइए और क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं? जी सृष्टि, में आपको बताना चाहूंगा कि शाम को तकरीबन 4 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और अभी जो है वो हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। श्रवण कुमार गर्ग जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पे गोबर के गैस से जो है ये अन्य प्रकार के जो है वो संसाधन तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं साधना टीवी को, हर खबर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ पूरे देशवासियों को आज गोपाष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने नंगे पांव गौ माता को चराया और जंगलों में लेके गए, जिसकी भगवान सेवा करते हों उस गौ माता का कितना महत्व होगा इसकी कल्पना कर लीजिए। और रामायण में आया है, विपर धेनु सुर संत हित मनोज तन लियो अवतार, भगवान राम ने अवतार ही गौ माता के लिए लिया। तो ये हमारे शास्त्रों के बहता है और हमारे ऋषि मुनि उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तथ्यों से तय किया कि गौ माता का स्थान है, ये चलता फिरता विज्ञान है, ये गुणों का भंडार है, ये औषधालय है और उसके आधार मान के हमने कुछ रिसर्च करवाई जिससे गोबर से पेंट बनता है, गोबर से खाद बनती है, जो डीएपी यूरिया सबका सब्स्टिट्यूट है। हम रासायनिक खादों के पीछे लग गए, उसके परिणाम देख रहे हैं। कैंसर ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर के लिए, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया, वो रासायनिक खादों का ही प्रभाव है। और हम देसी खाद से हजारों सालों से खेती करते आ रहे हैं, परंतु उसका परिणाम ये था कि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती जाती थी हर साल। तो ये लाभ और हानि मैंने आपको दिखाए। इसी के साथ साथ गोबर से फिनाइल, गौमूत्र से फिनाइल और हमने गोबर से गमले भी बनाए हैं जो कि पौधे को खाद भी देंगे और पोलोथीन से भी बचाएंगे। इस प्रकार से ये वैज्ञानिक महत्व मैंने समझाया। आज गोपाष्टमी पर्व पर मैं पूरे हरियाणा वासियों को और हरियाणा में सभी गौशाला प्रतिनिधि को, गौ भक्तों को, गौ रक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वह तन मन धन लगाकर हरियाणा में गौशालाओं में 582 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, उन गौशालाओं में वो सभी दिन रात लगकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं और जो गौभक्त उसमें गौशालाओं में दान देते हैं, सेवा करते हैं, उन सबको आज के दिन हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से, गौ माता से कामना करता हूँ कि हम दिन रात मेहनत करके गौ माता को सेवा करें, गौ माता को आगे बढ़ाएं, हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। जी जी, हमारे साथ इस समय हर खबर हरियाणा के संपादक सुंदर सोलंकी भी हैं। जी सर, बताएं। चेयरमैन साहब, एक सवाल अमूमन उठता है कि ये एक रस्म अदायगी सी रह जाती है कि साल में एक बार गौ माता का ध्यान किया और उसके बाद स्थिति गायब हो जाती है। ऐसी स्थिति क्या बनेगी कि हमें रोज हमारा ये ख्याल रहे कि गौ माता हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसी स्थिति बनवाएंगे आप? हरियाणा के अंदर जैसे मैंने बताया कि 582 गौशालाएं, आज हम श्री कामधेनु गौशाला पिंजौर के अंदर खड़े हैं जहां हमारा गौवंश अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। कामधेनु गौशाला के अंदर आप अगर देखेंगे तो यहां गौ माता की नस्ल सुधार का कार्य भी हो रहा है, गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है, गोबर से गमले बनाए जा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं और लगातार ये दिन रात प्रयास करते हैं। ये नहीं कि गौशाला ये बात रस्म अदायगी करते हैं, पूरा साल हर दिन जैसे मनुष्य को खाना चाहिए ऐसे गौ माता को भी खाना चाहिए, उसकी व्यवस्था हमारे गौ भगत ही करते हैं, हमारी गौशाला ही करती है। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए तो हर रोज त्यौहार है और पूरे देशवासियों के लिए भी जो दान देते हैं, जो सेवा करते हैं, उनके लिए भी त्यौहार है। हम गौ माता की सेवा में सभी निरंतर लगे तो गौ माता हमारी सेवा अपने आप कर देगी, ये मेरा कहना है। एक और सवाल है आपसे, जितनी महत्व रखती है गौ हमारे जीवन में उतना अभी भी लोगों को समझना बाकी है, ये बात तो आप मानते ही हैं। भाई साहब से पहले भी बात हो चुकी है हमारी। जी नवराज धीर जी, बताएं कि जिस तरीके से जो महत्वता बताई जाती है गौ माता की, वो आने वाले समय जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, कितना फर्क जो है, कितना प्रभाव जो आप देखते हैं?
देखिए बात ऐसा है कि जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी ब्रीफ किया है, ये बिल्कुल सही है, इससे बहुत प्रभाव है आने वाली पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी है, हम भी उसी युवा पीढ़ी में है, बहुत फर्क है इस बात का। सभी चाहते हैं गौ माता आत्मनिर्भर हो, उसके लिए चेयरमैन साहब ने और गौ सेवा आयोग ने बहुत प्रयास किया, जिसकी हम बुरी बुरी प्रशंसा पूरी हरियाणा की गौशाला संघ और सारी गौशाला के लोग, हमारी गौशाला अग्रणी बनती जा रही है, तो इसमें गौ सेवा आयोग का बहुत बड़ा हाथ है। एक सवाल सर आपसे आता है, क्योंकि हमारे लिए श्रद्धेय है गौ माता, लेकिन जब सड़कों पर जब लोगों को नुकसान या ऐसी स्थिति बनती है या फसलों में चली जाती है, तो गौ माता श्रद्धेय की जगह मुसीबत बन जाती है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी आदर्श स्थिति बनने की संभावना कितनी जल्दी देखते हैं आप कि गौ माता का जो एक सम्मान है वो स्थिति ना बने, वो रहे हमारे मन में हमेशा, तो कम से कम उनका जो ये आवारा पशु में गिनती कर दी जाती है, ये स्थिति से हम कब तक बचा पाएंगे गौ माता को? इसके लिए समाज के हमारी अपनी भागीदारी की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि दूध देने वाली गाय को तो लोग रख रहे हैं, आज शहरी क्षेत्र हो गया, हुड्डा की जैसी प्रॉपर्टीज है हम लोग नहीं रखते, उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्शंस हैं कि गायों को अडॉप्ट किया जाए गौशाला में या कहीं पर भी काउ हॉस्टल बनाए जाए, वो ही एक तरीका है। दूसरा, हमारा समाज, हम हिंदू हैं, गौ माता को माता मानते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसको कैसे फॉलो करना है। गौ सेवा आयोग ने बहुत सारी योजनाओं पर काम शुरू कर चुके हैं और बहुत सारी योजनाएं इनकी आई हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रवीण मलिक जी भी आए हुए हैं, वो भी ब्रीफ करेंगे कि क्या गवर्नमेंट की और स्कीमें हैं इसके लिए। हरियाणा अग्रणी है गौ सेवा के लिए, और सबसे ज़्यादा काम मैं समझता हूँ कि ये नॉर्दर्न इंडिया में यहीं पर हो रहा है। बहुत कम हमारे अब लोग देख रहे हैं कि जैसे गोबर से ये विकल्प बन रहे हैं, खाद बन रही है, पेट बन रहा है, जो पेट प्लांट लगा है इसमें 40% गोबर यूज होगा, उसमें से 10% जो स्लरी होगी वो खाद में जाएगी या उसकी पुट्टी बनेगी, 30% गोबर जो है वो पेट में बनेगा, और जो पेट की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, और ये जो भारतवर्ष का पहला प्लांट है जो कमर्शियल प्रोडक्शन में आ रहा है, ट्रेनिंग के लिए खादी बोर्ड का बना हुआ है और 2-3 जगह जो है हिंदुस्तान का छोड़ दो संसार का पहला किसी गौशाला में प्लांट है, जो श्री सौरभ गर्ग ने कामधेनु गौशाला को डोनेट किया है। सारा पैसा उसका केमिकल, उसकी पैकिंग मटेरियल मेरे ख्याल से उनका लगभग 30 लाख के आसपास लगा होगा, जो आपको बता दूं हमारे माननीय श्रवण गर्ग जी के सुपुत्र हैं। कामधेनु गौशाला सेवा सदन की समस्त मेंबर कार्यकारिणी की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि हर घर में ऐसा बच्चा पैदा हो, ऐसा सपूत पैदा हो जो गौ सेवा के लिए अपने पिताजी से, चेयरमैन साहब की बात नहीं करता, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ाएगा। और नौजवान शक्ति को, सबको ये चाहिए, आप भी नौजवान हैं, सारे प्रेस के साथी, मीडिया के साथी इसमें सहयोग करें, हम लोगों को, युवाओं को प्रेरित करें कि गौ सेवा के लिए हम कुछ करें। जी, एक आखिरी सवाल गर्ग साहब, जिस तरीके से आप देखते हैं कि आए दिन नेशनल हाईवे पर हम देखते हैं कि गाय की दुर्घटना से काफी ज्यादा ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पे गाय की दुर्घटना होती है और वहां पे दोनों पक्षों को चोटें आती है, गाय को विशेषकर ज्यादा चोटें आती हैं, लेकिन एन मौके पर उनका फर्स्ट एड करने के लिए या फिर डिस्पेंसरी ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, तो ऐसे में क्या जो आज का जो कार्यक्रम है ऐसा कोई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जिससे कि प्रदेश में जो जहां कहीं भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो एक इंस्टीट्यूशन होगा जो वहां पे मौके पे पहुंच सकेगा, उन गाय की जो फर्स्ट एड है वो कर्ज किए जा सकेगी। हम हरियाणा के 22 जिलों में इनफर्मरी, इसका मतलब छोटे चिकित्सालय, जो सड़क पे एक्सीडेंट होगी या बीमार होगी उस गाय को लाके उसका इलाज करवाने का सरकार स्तर पे योजना बना दी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे दी है, और निश्चित रूप से जल्दी ही वो इन्फर्मरी काम करना शुरू कर देंगे जी। और इन्फर्मरी का बनते ही हम टोल फ्री नंबर भी साथ साथ जारी कर देंगे। जहाँ तक सड़क पे छोड़ने की बात आप कर रहे हैं, सड़क पे छोड़ने वाले कौन है जी। मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा, सड़क पे छोड़ने वाले जो हम गाँव पालते हैं वही है, हमारे हर गाँव से लगातार दिन रात गायों को छोड़ने का एक अभियान बना ले, क्योंकि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी गुणों के, गौ माता के गुणों के बारे में लोगों को सिखाया नहीं गया। 70 साल तक केवल सड़क पे गाय आई और उसके कसाईयों को भेज दिया गया, यही काम किए गए जी। परंतु आज गौ भगत सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी गोपाष्टमी के पावन पर्व पर बहुत सी योजनाओं की यहाँ घोषणा करने वाले जी। बहुत कुछ गौशालाओं को
को बताने वाले हैं और ये योजनाएं लगभग बन चुकी हैं और आज बहुत ही उत्साह का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चरण इस पे फिर रहे हैं। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी आ रहे हैं और भी बहुत गौ भगत आ रहे हैं। केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया जी आ रहे हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हैं। तो यह हरियाणा का राज्य स्तरीय गोपाष्टमी उत्सव है और जिसमें आप साधना टीवी वाले भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो कि पूरे हरियाणा के अंदर लाइव सुबह से ही चला रहे हैं जी। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि लगभग एक वर्ष का समय लगेगा, एक बीघा सड़क पे नहीं रहेगी। हमने 350 से 582 रजिस्टर्ड गौशालाओं तक की यात्रा की है पिछले 5-6 साल में जी। हरियाणा में इस समय लगभग 4.5-5 लाख गौवंश गौशालाओं के अंदर है जी। जिसकी सेवा हो रही है और जो बाकी रह गया अब छोड़ने वालों की संख्या घट चुकी है, अब रखने वालों की संख्या है। हरियाणा के गौ भगत हर गांव के अंदर गौशाला खोलने की योजनाएं बना रहे हैं, मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं और निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर गौचरांत की जमीन, सामलात की जमीन, पंचायत की जमीन, पंचायतों से प्रस्ताव पास करा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे दी है कि निश्चित रूप से जल्दी इस समय आपको ऐसा आएगा कि एक भी गाय सड़क पर नहीं रहेगी, गौ माता का जो पूजनीय स्थान है, माता का स्थान है, वो स्थान पुनः मिलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब। तो ये थे हमारे साथ गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग, जिन्होंने बहुत ही साफ और सुलझे हुए शब्दों में कहा कि गोपाष्टमी के मौके पर प्रधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो आज कामधेनु गौशाला में पहुंचेंगे और साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि बहुत ही जल्द जो है एक हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके जरिए जहां कहीं भी यदि किसी गाय दुर्घटनाग्रस्त होती है तो वो मौके पर वहां पहुंच सकते हैं और उस गाय का इलाज किया जा सकता है। यहाँ लगातार महाकवरेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर जो तस्वीरें आपने दिखाई उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में यहाँ का कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचेंगे और पहुंचने के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार बाकी दिग्गज भी वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी यहाँ पर बने हुए हैं लगातार स्टूडियो में और वाकई क्या ऊर्जा है कि सुबह से ही लगातार हमारे मेहमान भी यहाँ पर हमारे साथ लगातार महाकवरेज का हिस्सा बने हुए हैं। यहाँ पर गौदास जी एक और प्रश्न मेरा आपसे, जिस तरीके से अभी हमने कहा कि गोबर को लेकर बातचीत की है कि गोबर से क्या कुछ लाभ मिलता है, जैसे कि लगातार जो तस्वीरें हम देखते हैं, मैं आपसे भी कहूंगी ये ट्रेनिंग आप भी लोगों को देते हैं।